गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी एजुहब ऑनलाइन क्लासेज, क्लास 12th एजी, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3, टॉपिक वीट स्टेम बोरर। इसमें लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे, गेहूं का तना छेदक कीट का जीवन चक्र। गेहूं के तना छेदक कीट जो है, इसके जीवन चक्र के अंदर चार अवस्थाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट व्यस्क, सेकंड अंडा, थर्ड लार्वा और फोर्थ कोशिप। इसमें भी पूछा जा सकता है कि गेहूं का तना छेदक जो कीट है, इसमें कायांतरण कौन सा पाया जाएगा, मेटामॉर्फोसिस कौन सा है इसमें। चार अवस्थाएं पाई जाती है, चार जिसके अंदर पाई जाती है उसमें पूर्ण कायांतरण ये होता है। सबसे पहले व्यस्क। व्यस्क जो है वो पत्तियों पर पीताभी श्वेत अंडे देती है। व्यस्क मादा पत्तियों के ऊपर श्वेत पिता भी अंडे देती है जीवन काल के अंदर। मादा जो है, पूर्ण जीवन काल जो होता है इसका, उस जीवन काल के अंदर कुल अंडों की संख्या जो होती है वो 400 रहती है। कुल अंडे जो है वो 400 दिए जाते हैं। इन अंडों का उष्मायन काल, अंडों का उष्मायन काल जो है वो 7 से 10 दिन का होता है। 7 से 10 दिन का मतलब अंडों से लार्वा अवस्था जो है वो 7 से 10 दिन के बाद निकलती है। इसको प्रस्फुटन काल भी कहा जा सकता है। इसकी सेकेंड अवस्था जो है, थर्ड लार्वा, सुंडी अवस्था, यह हल्के रंग की, इसका रंग जो है वो हल्का होता है। और सबसे पहले ये लीफ सीप, पौधे का मेरिस्टेम में जो पार्ट होता है उसको क्षतिग्रस्त करती है, यानी कि भोजन के रूप में उसको ये खाती है। विकसित सुंडी जो होती है वो 25 mm लंबाई की रहती है, जो भूरे गुलाबी या मोतिया रंग की हो जाती है, भूरे रंग की या फिर मोतिया, भूरे गुलाबी मोतिया रंग की हो जाती है, चेंज हो जाता है इसके अंदर। इसका शरीर जो है वो चिकना बेलनाकार, शरीर चिकना और बेलनाकार होता है। लट अवस्था जो है, या लट काल जिसको बोलते हैं, वो 20 से 30 दिन का रहता है। 20 से 30 दिन यानी कि अंडों से लार्वा अवस्था निकलने के बाद 20 से 30 दिन के बाद में ये कोशित में चेंज हो जाती है। लार्वा अवस्था जैसे ही विकसित होती है, तो विकसित होने के बाद में गेहूं के तने के अंदर ही, तना जो होता है उसके अंदर ही ये कोशित में बदलती है, कोशित के अंदर चेंज हो जाती है। कोशित का रंग जो है वो भूरा होता है और इसकी लंबाई जो है वो 12 mm होती है। कोशित भूरे रंग का और इसकी लंबाई जो है वो 12 mm होती है। गेहूं की फसल पर इसकी जो पीढ़ियां होती है वो 4 होती है, यानी कि जीवन काल के अंदर इनकी पीढ़ियां जो है गेहूं की फसल पर, उनकी संख्या 4 होती है। 4 पीढ़ियां पाई जाती है। ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछते हैं, गेहूं के तना छेदक जो कीट है इसकी गेहूं पर कितनी पीढ़ियां पाई जाती है। ये कीट जो है ये मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहता है।
और नवंबर के बाद में यह शीत निष्क्रियता में चला जाता है। शीत निष्क्रियता में चला जाता है और नेक्स्ट जब इसका अनुकूल जो वातावरण आता है उस समय ये वयस्क जो है ये वापस अपनी जनरेशन स्टार्ट करता है। इस प्रकार से इसका जीवन चक्र जो है वो रिपीट होता रहता है। धन्यवाद।